देखिए आज विंडो एसी का गैस चार्ज करना है, तुम सबको बताते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें गैस चार्ज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गैस को टंकी लगाएंगे। पहले देखिए इसमें गैस है क्या, इसमें टॉप अप करने का बता रहे हैं, ठीक है ना। गैस कैसे टॉप अप करना है, गैस टॉप अप करने के लिए देखिए हमारा गैस अगर थोड़ा सा कम है, 10 PSI इसमें गैस डालना है, ठीक है। तो गैस डालने के लिए हम पहले गेज मीटर अपना लगाएंगे चार्जिंग वॉल्यूम में, गैस को कनेक्ट करना है। कैसे करना है देखिए, आ गया गैस लाइन में लग गया नीचे वाला हिस्सा में, यही आपका गैस में लग गया, ठीक है। अब हम गैस डालने के लिए वहाँ से स्लाइडिंग से ढीला करेंगे, ठीक है। ढीला करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, स्लाइडिंग से ढीला करिए उसे, करिए ढीला, पूरा ढीला करिए उसे, उल्टा करके ढीला। 2716 आई है, गैस भरा रहा है। कभी भी हम गैस डालेंगे तो टंकी को उल्टा करके, लिक्विड फॉर्म में जा सकते। हमारा टंकी का वही थी खुल गया बल, अब देखिए गैस ही यहाँ से आया है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा खोलेंगे और खोल करके जो भी इसमें एयर होगा निकाल देंगे। ये कहीं मोबाइल बटन क्यों खुला नहीं है, अरे आप खाली बोलते चलिए बस, बाकी हम कर लेंगे। हाँ था ना, छोड़ दीजिए ना, चलिए ये हो गया। हम गैस डालने के लिए क्या करेंगे, फोकस के रिपीट क्या करेंगे, यहाँ से हम हंडिल को ढीला करेंगे। जैसे ही हम हंडिल को ढीला करेंगे गैस अंदर फिट होने लगेगा, ठीक है। देखिए टान रहा है गैस, ठीक है ना, यानी वो गैस टान रहा है। इसमें गैस है नहीं अभी बता रहे हैं टॉप अप करने का, ऐसे ही इसमें गैस फिल करना है। कभी भी इसमें तो अभी गैस नहीं है, लेकिन जब भी आप गैस लेकर आइए इसमें 1 किलो से आधा किलो जब गैस होगा तब इसमें टॉप अप करना है। जितना PSI 10 PSI 20 PSI डालना है आपको, लाइए ला कर लगाइए इसमें, यहाँ से खोलिएगा जब गैस होगा तो एकदम मतलब कि वाइट कलर का आपको दिखेगा, तो इसमें से उसके बाद आप चालू करके इसमें टॉप अप कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरा गैस भी डालना है तो फॉर्मूला वही है, बस आपने इसको पहले वैक्यूम करिए अच्छे से, वैक्यूम करके जैसे लगाया है कनेक्ट करना है उससे वैसे तब डिस्चार्ज पर ही थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए, मतलब 50% चालू है, मतलब बंद की चालू है, ये वाला हंडिल को हमें बंद रखना है, ठीक है ना। जब गैस डालेंगे तभी हंडिल को खोलेंगे, नहीं तो बंद, ठीक है, समझ में आया ना। ये हम हंडिल को बंद, और उसको देखिए खोलने से पहले पहले हंडिल की इसको बंद कर देना है स्लाइडिंग से, तब गैस को खोलना। अच्छा जैसे एक चीज़ और पूछना है, इसमें पावर जा रहा है नहीं जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है गैस गैस डालने का टाइम? देखिए इसमें अगर बिल्कुल गैस नहीं है, ठीक है, तो पहले वैक्यूम कर करके इसमें 50% तक गैस मतलब डिस्चार्ज से डालेंगे ऐसे स्टैंडिंग प्रेशर पर, जितना गैस इसमें जाता है जाने दीजिए, उसके बाद जब रुक जाएगा तो मशीन को चालू करेंगे, तब हम सक्शन प्रेशर से मतलब जब मशीन चालू हो जाएगा तो सक्शन प्रेशर खींचेगा अपने तरफ, जब गैस को खींचेगा तो देख कितना भी जब भी मशीन चालू करिए गेज मीटर इसमें लगा है तो देखिए कितना PSI आप गैस इसमें दिखा रहा है, ठीक है ना। 30 PSI 40 PSI यही दिखाएगा, जब आप फिर इसमें सिलेंडर कनेक्ट रहेगा आपका फिर आपका मशीन चलने लगा, जब मशीन चलने लगा तब हंडिल ढीला करिए, देखिए धीमे धीमे डालिए, ना कि फास्ट में डाल दीजिए, ऐसा कम मत करिए, आराम आराम से डालिए, देख लीजिए अब 60 PSI आ गया तो बस इसे रोक दीजिए 20 मिनट चलने दीजिए, मतलब जब सक्सेस पूरा आ जाएगा तो 5 PSI बोलते हैं, आधा घंटा लगता है 20 मिनट पूरा सक्सेस आने में, ना कि 70 PSI डाल दिए तब तक सक्सेस आया तो मालूम चला 10 PSI 5 PSI बढ़ गया, ऐसा काम मत करिए। एम्पियर ज़्यादा बढ़ने के कारण जब कंप्रेसर ज़्यादा हीट हो जाता है
और सेक्टर से चाहे गर्मी ज़्यादा भी रहता है तो 2 एम्पियर 1.5 एम्पियर 3 एम्पियर ज़्यादा लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे प्रॉब्लम कोई ना है, लेकिन ये हमेशा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्मी होगा तब मतलब कि अगर दिखाएगा एम्पियर ज़्यादा देगा। जब कंप्रेसर आपका मतलब कि नॉर्मल हो जाएगा ठंडा हो जाएगा तो आपके एम्पियर ठीक नहीं होगा। और सेक्टर से अधिक कंप्रेसर जब हीट वर्क करेगा तो 5 मिनट हो गया। 5 मिनट दो